फिल्म सियोल की एक प्रयोगशाला में खुलती है, जहां हम यांग नाम के एक डरे हुए डॉक्टर को देखते हैं। पता चलता है कि उसकी बेटी हाल ही में मर गई, इसलिए वह उसे जीवित करने के लिए उस पर प्रयोग कर रहा है। वह छिपकलियों और मगरमच्छों से घिरा हुआ है, जो सुझाव देता है कि उनका भी परीक्षण विषय के रूप में उपयोग किया जा रहा है। उसी समय कई अधिकारी आते हैं और उसे बताते हैं कि उसके प्रयोग के परिणाम स्वरूप पहले से ही कई लोग मर चुके हैं। यांग दावा करते हैं कि वह एक बड़ी खोज के कगार पर हैं और खुद को कुछ इंजेक्शन लगाते हैं। यह कहते हुए अधिकारी उस पर गोली चलाते हैं और दावा करते हैं कि वे उसकी बेटी को ले जाएंगे। अचानक एक बड़ा भूकंप आता है जो पूरे देश को तबाह कर देता है। फिर दृश्य 3 साल बाद बदल जाता है और हम देखते हैं कि जगह एक खुले बंजर भूमि में बदल गई है, जिसमें सभी आधुनिक सभ्यता खत्म हो गई है। हालात और भी खराब हो जाते हैं जब यांग के कुछ टेस्ट मगरमच्छ, जिनमें एक विशेष सीरम इंजेक्ट किया गया है, बाहर जाने और प्रजनन करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। कुछ पलों बाद हम देखते हैं एक लड़के जिसे जीवोन कहते हैं, जो तीरों के साथ आता है और एक मगरमच्छ को आंख में मारता है। मगरमच्छ मरा हुआ होने का नाटक करता है और जब जीवन करीब आता है तो वह बेरहमी से उस पर हमला करता है, तो वह खुद को बचाने के लिए एक कार के अंदर चला जाता है, लेकिन मगरमच्छ उसका पीछा करता है और उसे लगभग मार देता है। सौभाग्य से एक आदमी जिसका नाम नामसुन है उस समय वहां पहुंचता है और तुरंत अपने तेज ब्लेड से मगरमच्छ को 2 टुकड़ों में काट देता है। फिर दोनों मगरमच्छ को पैक करते हैं, यह दावा करते हुए कि यह बहुत स्वादिष्ट होगा। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम सुना है, वह अपनी दादी के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहती है। उनके रहने की स्थिति दयनीय है और उनके पास पीने के लिए ताजा पानी भी नहीं है। उसकी दादी चिंतित है क्योंकि 6 महीने से कोई बारिश नहीं हुई है और सोचती हैं कि वे कैसे जीवित रहेंगे। हालांकि सुना उसे चिंता न करने के लिए कहती है और वादा करती है कि वे कोई रास्ता खोज लेंगे। इसके बाद जीवोन और नामसुन एक बाजार में पहुंचते हैं, जहां वे मगरमच्छ को काटते हैं और उसके टुकड़ों को कुछ उपयोगी वस्तुओं के लिए अदला बदली करते हैं। कुछ ही पलों बाद सुना अपनी दादी के साथ पहुंचती है और हमें पता चलता है कि जीवोन को उस पर बड़ा क्रश है। वह नामसुन को उसकी बनाई हुई एक स्केच देती है और भूकंप के दौरान उसे बचाने के लिए धन्यवाद देती है। ये देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और उसे बड़ा टुकड़ा मांस देता है। तभी कुछ गुंडे आ जाते हैं और लोगों को आतंकित करने लगते हैं। वे पुलिस होने का दावा करते हैं और जिस व्यक्ति की वे तलाश कर रहे हैं उसका एक स्केच दिखाते हैं। वे जो चाहे ले लेते हैं और जब एक आदमी हस्तक्षेप करता है तो वे जल्दी से उसका हाथ काट देते हैं। कुछ पलों बाद उनमें से एक सुना को देखता है और उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। यह देखकर जी वेंकर उससे लड़ने के लिए जाता है, लेकिन वे उसे बेरहमी से पीटते हैं। तो नन सुनाता है और वह उन सभी को मारता है जब तक कि वे मुश्किल से खड़े हो सके। फिर वह उनके साथ साफ पानी की बोतलें देखता है और पूछता है कि वे कहां से मिली। एक गुंडा उसे साफ पानी वाले अपार्टमेंट के बारे में बताता है, लेकिन दावा करता है कि केवल कुछ चुने हुए लोग ही उस सुविधा में प्रवेश कर सकते हैं। वह पूछता है कि वे वहां क्यों हैं और गुंडा दावा करता है कि उन्हें उनके बॉस टाइगर द्वारा आपूर्ति लाने के लिए भेजा गया था। गुंडों के जाने के बाद जोड़ी भी अपना सामान इकट्ठा करती है और चली जाती है। रास्ते में जी वंग सुझाव देता है कि वे उस अपार्टमेंट की तलाश करें ताकि उनके पास साफ पानी हो सके, लेकिन नामसुन उसके विचार को खारिज कर देता है। थोड़ी देर बाद वे सुना के घर के बाहर पहुंचते हैं, जहां वे कुछ अनजान लोगों के समूह को देखते हैं। इसलिए वे सुना के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये लोग उसे परेशान कर रहे हैं। समूह का नेतृत्व एक महिला कर रही है जो खुद को एक शिक्षक के रूप में पेश करती है और दावा करती है कि वे किसी को चोट पहुंचाने के लिए यहां नहीं है। वह कहती है कि वे एक समुदाय से हैं जो इस स्थान से कुछ दूरी पर स्थित एक अपार्टमेंट इमारत में रह रहे हैं। वह दावा करती है कि इस जगह में विभिन्न विलासिताएं हैं जिसमें साफ पीने के पानी की प्रचुर आपूर्ति शामिल है। वह बताती है कि वे अपने अपार्टमेंट में ले जाने के लिए और अधिक लोगों की तलाश कर रहे हैं और केवल 20 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और उनके माता पिता को ही स्वीकार किया जाता है। सुना पूछती है कि क्या नामसुन और जीवोन उनके साथ जा सकते हैं, क्योंकि वे उसके लिए परिवार जैसे हैं। हालांकि शिक्षक उन्हें मना कर देते हैं, ये दावा करते हुए कि केवल निकटतम परिवार के सदस्य स्वीकार किए जाते हैं। यह सुनकर नामसुन सुना को सलाह देते हैं कि वह चली जाए, क्योंकि अगर वह रुकी रही तो और डाकू वापस आ सकते हैं और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद सुना और उसकी दादी लड़कों को अलविदा कहती हैं। फिर वे अपने शिक्षक के समूह के साथ चले जाते हैं और उन्हें बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। रास्ते में सुना देखती है कि उनके साथ जो सैनिक हैं वे अजीब लगते हैं और उनकी गर्दन पर अजीब फफोले हैं। कुछ समय बाद उसकी दादी चलने से बहुत थक जाती है, इसलिए शिक्षक सुझाव देते हैं कि उनके पास एक पास का चिकित्सा सुविधा है जहां वे उन्हें आराम के लिए ले जा सकते हैं। सुना अनिच्छा से सहमत हो जाती है और सैनिक उसकी दादी और एक अन्य बुजुर्ग व्यक्ति को दूर ले जाते हैं। हालांकि जल्द ही समूह को एक कार मिलती है और सुना को यह अजीब लगता है कि कारें केवल थोड़ी दूर पर ही उनका इंतजार कर रही थीं। वह आश्चर्य करती है कि जब उनके पास एक कार उपलब्ध थी तो शिक्षक ने उनकी दादी को क्यों भेजा।
ये सुनकर एक व्यक्ति जिसका नाम सार्जेंट क्वान है कहता है कि वे उसकी दादी का इंतजार कर सकते हैं अगर वह चाहती है। हालांकि अन्य लोग अत्यधिक प्यासे और बेचैन हो रहे हैं, इसलिए वे आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। अगले दृश्य में दोनों सैनिक बूढ़े लोगों को एक दूरस्थ स्थान पर ले जाते हैं और तुरंत उन पर हमला करते हैं। उस समय जीवान आता है और उन्हें सुना की दादी की हत्या करते देखता है, तो वो तुरंत इन सैनिकों पर हमला करता है और नानसुन भी उसकी मदद के लिए पहुंचता है। हालांकि लड़ाई के दौरान उन्हें एहसास होता है कि ये सैनिक लगभग अमर हैं, क्योंकि उन्हें सबसे गंभीर चोटें लगने के बाद भी वे नहीं मरते। जीवोन एक सैनिक को रस्सी से बांधता है और पूछता है कि उसने उसकी दादी को क्यों मारा, लेकिन सैनिक अपनी ही टांग काटकर खुद को रस्सी से मुक्त कर लेता है। फिर वह जीवोन पर हमला करने लगता है, लेकिन एक महिला जिसका नाम योन हो है अचानक कहीं से आकर दोनों सैनिकों के सिर काट देती है। दादी को दफनाने के बाद योन हो उन्हें बताता है कि इन लोगों को केवल सिर काटकर ही मारा जा सकता है, अन्यथा वे मर नहीं सकते। वह उन्हें बताती है कि वह विशेष बलों में थी और भूकंप के बाद उसकी टीम को एक अपार्टमेंट मिला जो एकमात्र स्थान था जो नष्ट नहीं हुआ था। पीने के लिए पर्याप्त शुद्ध पानी था, इसलिए वे वहीं बस गए। एक दिन यांग नामक एक व्यक्ति आया और उनके साथ रहने लगा, लेकिन उसके आने के बाद से कई बच्चे एक एक करके गायब होने लगे, इसलिए उसने जल्द ही उसका सामना किया और उसके गंदे राजों के बारे में जाना। वह एक प्रयोग पर काम कर रहा था जो लोगों को अमृता प्रदान करेगा। उसने खुद को एक मसीहा के रूप में देखा जो मानवता को उद्धार दिलाने की कोशिश कर रहा था। इस प्रकार उन्होंने उन बच्चों का उपयोग अपने खतरनाक प्रयोगों के लिए किया। जाहिर है उनके पिट्यूटरी ग्रंथियों में उनके शोध के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। जब उसे पता चला कि यहां तक कि उसका बॉस सार्जेंट क्वान भी डॉक्टर के साथ था, तो वह बहुत नाराज हो गई। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे मारने की कोशिश की, इसलिए उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए अब वह नमन से डॉक्टर को गिराने और अंदर फंसे अपने पूर्व सहकर्मियों को बचाने में मदद करने के लिए कहती है। यह सुनकर वह उसे डॉक्टर के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि वह सुना को बचाना चाहता है। फिर तीनों स्थानीय गैंगस्टर टाइगर से मिलने जाते हैं जिसके अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के साथ संबंध है। पता चलता है कि उसका और नामसून का एक इतिहास है, क्योंकि वे बॉक्सिंग रिंग में लड़ते थे और टाइगर का करियर भी उसी की वजह से खत्म हुआ था। इसलिए उसे देखते ही इगर तुरंत अपने अनुयायियों से उसे मारने के लिए कहता है और बदले में उन्हें कई गुलाम देने का वादा करता है। हालांकि ये लोग नानसुन के सामने टिक नहीं पाए, जो आसानी से सभी से निपटता है और अंततः टाइगर पर हमला करता है। उसी समय सुना और समूह अपार्टमेंट पहुंचते हैं जहां यांग उनका स्वागत भाषण देते हैं। यांग बच्चों के अंकों की घोषणा करते हैं और ऐसा लगता है कि अगर वे अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें एक पेय दिया जाता है और हर कोई लंबे समय बाद साफ पानी मिलने पर उत्साहित है। हालांकि सुना को अजीब लगता है और वह पानी नहीं पीने का फैसला करती है। फिर उन्हें अंदर ले जाया जाता है और समझाया जाता है कि बच्चे 8वीं मंजिल पर होंगे जहां माता पिता की अनुमति नहीं है। बच्चों के जाने के बाद माता पिता को इमारत के सभी पानी को हाथ से शुद्ध करने का काम सौंपा जाता है ताकि वह पीने के लिए सुरक्षित हो सके। उन्हें अपने बच्चों की खातिर शुद्धिकरण प्रक्रिया को लगातार चलाने का निर्देश दिया गया है। दूसरी ओर नम जल्द ही टाइगर और उसके आदमियों को हराकर उनके साफ पानी के बारे में पूछताछ करता है। टाइगर मानते हैं कि उन्होंने यह पानी उस इमारत से लिया जहां वह कई चीजें और कभी कभी लोगों को भी आपूर्ति करते हैं। हालांकि वह दावा करता है कि इन दिनों वे बच्चों को लाने की मांग करते हैं, यही कारण है कि उसके आदमी उस दिन गांव गए थे। यह सुनकर नमसुन उसे आदेश देता है कि उसे कल सुबह सबसे पहले उस जगह ले जाए। इस बीच सुना अन्य बच्चों के साथ एक कक्षा में है और सब कुछ अजीब लगता है। वह देखती है कि छात्रों की गर्दन पर एक अजीब कट है और वे अजीब तरह से विनम्र और धीमे लगते हैं। यांग के आने पर वह सीधे पूछती हैं कि उनकी दादी कैसी हैं। वह उसे सूचित करता है कि उसकी दादी बीमार है और उसका इलाज हो रहा है। वह उससे मिलने की जिद करती है, लेकिन वह मना कर देता है और दावा करता है कि यह अनुमति नहीं है। वह उसे सूचित करता है कि वह बहुत कुपोषित लग रही है और उसे एक बोतल साफ पानी पीने के लिए कहता है। वह बोतल उठाती है पीने के लिए, लेकिन जैसे ही वह चला जाता है वह बिना घूंट लिए इसे नीचे रख देती है। उस रात जब सभी सो रहे होते हैं, सुना अपने बिस्तर से उठकर इलाके का पता लगाने लगती है। नीचे एक माता पिता अपनी बेटी को देखने की मांग कर रहे हैं और यंग उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वह सुरक्षित है। हालांकि जब वे जोर देते रहते हैं तो वह नाराज हो जाता है और उन्हें अपनी प्रयोगशाला में ले जाता है। इस बीच सुना लैब में है और जब वह उन्हें पास आते सुनती है तो वह जल्दी से छिपने के लिए दौड़ती है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो माता पिता अपनी बेटी को सर्जिकल टेबल पर बेहोश पड़ी हुई पाते हैं। उसके सिर के चारों ओर मशीनें हैं
वे घबराने लगते हैं। यांग उन्हें आश्वासन देते हैं कि वह ठीक है और वह सिर्फ उस पर एक प्रयोग कर रहे हैं। वह उन्हें अपने शोध के बारे में बताता है और कैसे उसने अपनी मृत बेटी को पुनर्जीवित किया, यह भी बताता है। वह एक अलमारी खोलता है और अपनी बेटी का ऊपरी धड़ दिखाता है जो कांच में बंद है और उसका दिल धड़क रहा है। हालांकि माता पिता तुरंत अपनी बेटी को बचाने के लिए दौड़ पड़े। वे चीखने लगते हैं और मशीन के साथ हस्तक्षेप करते हैं जिससे लड़की को द्वारा पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये देख यांग नाराज हो जाता है और लड़की के पिता को मौत के घाट उतार देता है। इस बीच सुना एक कोने में छुप जाती है और सब कुछ देख रही होती है। तभी अचानक यांग उसके पास एक डरावनी मुस्कान के साथ आते हैं। फिर वह उसे पकड़ता है और ऑपरेटिंग टेबल पर रखता है। वह उसे सूचित करता है कि उसे दिया गया पानी पहले ही आधा काम पूरा कर चुका है और पुन उत्पन्न तरल को एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसी बीच नंसुन और उसकी टीम इमारत पर पहुंचती है और टाइगर सैनिकों को बताता है कि वह आपूर्ति देने के लिए यहाँ है। हालांकि चूंकि यह उनका डिलीवरी का दिन नहीं है, सैनिकों को शक हो जाता है और वे वाहन की जाँच शुरू कर देते हैं तो नमसुन तुरंत सैनिकों पर गोली चलाने लगते हैं और सभी को मार डालते हैं। इसके बाद वे इमारत में प्रवेश करते हैं और यांग जो सुना पर अपना प्रयोग शुरू करने वाले हैं जल्द ही खबर सुनते हैं। समूह अंदर भागता है और एक उदास तहखाने में चला जाता है जब सैनिक अचानक उनका पीछा करना बंद कर देते हैं। इसका कारण तब स्पष्ट हो जाता है जब हाइब्रिड ज़ॉम्बीज़ का झुंड तिकड़ी पर हमला करता है। उनके बीच एक तीव्र झगड़ा होता है और योनहो भावुक हो जाती है जब वह यह पाती है कि जिन सहकर्मियों के लिए वह आई थी वे ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं। आखिरकार तिकड़ी इन ज़ॉम्बी को हरा देती है और आगे बढ़ती है। जल्द ही योनहो सार्जेंट क्वोन के पास पहुंचती है जो उसे अपनी टीम में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं। हालांकि वह मना कर देती है और उस पर हमला करती है लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होता। कड़ी मशक्कत के बाद वह अंततः उसे चाकू मारता है और उसे अपार्टमेंट से बाहर फेंक देता है। कुछ समय बाद जी वोन शिक्षक को पकड़ लेता है और उससे उसे सुना तक ले जाने के लिए कहता है। रास्ते में वे सार्जेंट क्वोन से मिलते हैं लेकिन नामसून जीवन से जाने का आग्रह करता है दावा करते हुए कि वह उनसे निपट लेगा। इसी बीच यांग सुना के शरीर से तरल पदार्थ निकालता है और उन्हें अपने अंदर इंजेक्ट करता है। हालांकि क्योंकि उसने पानी की बोतल से एक बूंद भी नहीं पी थी, उसके पिट्यूटरी ग्रंथि का स्राव संशोधित नहीं हुआ था। इस कारण से यांग अपने शरीर में इसे इंजेक्ट करने के बाद एक म्यूटेंट में बदलने लगते हैं और वे एंठन शुरू कर देते हैं। उस समय जी वनत सुना को बचाने के लिए आता है लेकिन एक अधिकारी उसे पीछे से लात मारता है और बिना दया के उसे पीटता है। इस बीच नामसैन और सार्जेंट क्वोन एक घातक संघर्ष में लगे रहते हैं और क्वोन शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं उठाता। आखिरकार नामसुन उसका सिर काटने में सफल हो जाता है और उसकी जिंदगी का अंत कर देता है। इस बिंदु पर यांग को एहसास होता है कि उसने जो नुकसान किया है उसे उलटना बहुत देर हो चुकी है। बिल्डिंग में बच्चों के बारे में सोचे बिना वह एक बम विस्फोट करता है और स्वार्थी रूप से खुद को बचाता है। वह अपनी बेटी के जो थोड़े बहुत अवशेष बचे थे उन्हें एक सूटकेस में रखता है और बाहर निकलता है। माता पिता महसूस करते हैं कि वह उनके लापता बच्चों के लिए जिम्मेदार है और उसे हिंसक रूप से मारने लगते हैं। इस बीच योनहो जो अभी भी जीवित है होश में आ जाता है। वह और नामसुन अंदर चले जाते हैं और सुना और जीवन को आग से बचाने में सफल हो जाते हैं। जब माता पिता डॉक्टर यांग पर हमला कर रहे होते हैं तो उसका सीरम भी नष्ट हो जाता है। गुस्से में वह एक बंदूक उठा लेता है और उन पर गोली चलाने लगता है जो उसे लात मार रहे थे। विडंबना यह है कि उसने गलती से सूटकेस पर गोली चला दी और तरल पदार्थ जो उसकी बेटी को जीवित रख रहा था बॉक्स से बाहर निकल गया। यह उसे बहुत परेशान करता है और वह रोने लगता है। फिर वह अपने कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करता है और सभी को बुरा और मारने की धमकी देता है। हालांकि इससे पहले कि वह क्लिप्स कर सके, कुछ भी हो नमसान उसे बार बार गोली मारता है और आखिरकार उसका दिमाग उड़ा देता है। उसी समय अचानक 6 महीने की सूखे के बाद बारिश शुरू हो जाती है जो सभी को उत्साहित कर देती है। यहाँ हो अपार्टमेंट को ठीक करने के लिए पीछे रहता है जबकि नामसुन का गैंग अपने ठिकाने पर लौट जाता है। रास्ते में सुना अपनी दादी की कब्र पर जाती है और रोने लगती है। अंतिम दृश्य में उसे नामसुन और जीवोन के साथ कसाई की दुकान चलाते हुए देखा जाता है।